कोरोना वायरस से किस कदर दुनिया भर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि G20 सम्मेलन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना पड़ा। दुनिया भर के कई दिग्गज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही एक दूसरे से जुड़े और इसलिए इस सम्मेलन को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया। इस बार होने वाले G20 सम्मेलन का जिम्मा सऊदी अरब के पास था। G20 सम्मेलन में 19 औद्योगिक देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हुए और सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपनी बात रखी। इस दौरान सऊदी अरब के किंग ने सभी G20 देशों से विकासशील देशों की मदद करने को कहा है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्य राज्यों के लिए एक वर्चुअल ब्रीफिंग आयोजित करेगी ताकि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने ऑपरेशन और ठोस योजना पर चर्चा की जा सके, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित किया और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। ये बैठक 27 मार्च को शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगी और COVID-19 संकट और इसके मानवीय और आर्थिक प्रभावों के लिए पैदा हुई समस्याओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेगी। उंगा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने सभी सदस्य राज्यों को भाग लेने के लिए एक पत्र लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।